हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज इसमें हम आप तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्योंकि डंग बीटल को टेम करना है, क्योंकि हमको वो ग्रीन हाउस बनाना है ना, तो वो सब उगाने के लिए कचड़ा पट्टी जो भी हो कंट्रोला रॉक कैरेट इसे मतलब के उगाने के लिए। ये देखिए अभी रेक्स को यहाँ पे मार दिया, ये मेरे ऑटो टेरेट ने यहीं पे चालू था थोड़ा देर पहले, यहीं पे आए देखते हैं ये मरा पड़ा है, तो इसको हम फार्म फटाफट कर लेते हैं। देखते हैं इसके पेटी में क्या है, दिखा रहे सलाह टंगड़ी में कुछ नहीं है मतलब कि। तो आज हम करने वाले ये डंग बीटल टेम, क्योंकि उसमें आपको फर्टिलाइजर बनाना है। अब फर्टिलाइजर कैसे बनता नहीं पता है, तो अभी हम मतलब कि उसको टेम करके लाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। और उसको टेम करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए तो आपको हम खुद यहाँ पे बता देते हैं, मतलब दिखा भी देते हैं। तो एक सेकेंड आपको जाने दीजिए। यहाँ पे आर्मर वाला पहले हम ये वाला ले लेते हैं। अब यार पैदल भी कर सकते थे, इन पैदल नहीं करेंगे, आर्मर मेरा सही है। एक सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि आर्मर मेरा सब टूट गया था। तो ये देखिए आर्मर एक ले लिए, और ये चलिए हम हाइट वाला पहन लेते हैं। आर्मर हमको घंटा पर रखने पड़ता है, बाद में जब ये डेंजन करेंगे तब देखा जाएगा। ये हाइट वाला हम पहन लेते हैं तब तक के, चलिए ये वाला पहन लिए और ये वाला पहन लिए। और थोड़ा सा बाम ले लेते हैं, तो बाम हम यहाँ पर रखे होंगे। नार्कोटिक वाला कहाँ गया, बायोटेक्सिन नार्कोटिक, ये देखिए नार्कोटिक यहाँ पर हम बाम सुधिक बाम देखते हैं। दो अगर टेम हुआ तो दो टेम कर लेंगे। और स्ट्रक्चर में आई थिंक कुछ नहीं लेना है, तो हमको दो टॉर्च लेना है। टॉर्च मेरे पास है, टॉर्च नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा टॉर्च। टॉर्च ध्यान से ले लीजिएगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत अंधेरा रहता है, माथा खराब हो जाता है सलाई का। घंटा में जाते सलाई का लगता है कि कोई गुफा में घुस गए। अब दूसरे गुफा के बारे में मत सोचिएगा, बहुत गलत चीज़ है। स्ट्रक्चर सब हम यहीं पर रख दिए थे। अब यार टॉर्च में क्या क्या लगता है हमको भी ध्यान दें। फ्लिंट और थोड़ा सा स्टोन ना, तो स्टोन थोड़ा सा यहाँ से ले लिए, और फ्लिंट इसमें होगा आई थिंक, यप है फ्लिंट। तो चलिए हम कितना, चार बहुत है, बहुत सारा है, चार तो बहुत सारा है। तो हम यहाँ से लेके जाएंगे डायर वुल्फ को और पीटी को। तो पीटी से हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे, डायर वुल्फ को वहाँ पर हम टेलीपोर्ट कर देंगे। तो टेलीपोर्ट का वीडियो हम थोड़ा देर में मतलब कि आ जाएगा उसका अगला दिन, टेंशन नहीं लीजिए। टेलीपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं इसमें, अब यार इसमें नहीं डालना है, बाकी सब रिसोर्सेज उसमें डाल और ये इसमें डाल। हम थोड़ा सा खाना भी खा लेते हैं, प्राइम मीट है ये गल जाएगा तो हम ही खा लेते हैं इसे। अच्छा अबे यार अभी का है निकाल लिया, तो इसमें डाल देते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, और कुछ तो लगेगा नहीं। हाँ एक चीज़ लगेगा, अरे मेन चीज़ तो हम भूलिए गए, स्पॉइल मीट आपको लगेगा, वो उसी से टेम होता है। स्पॉइल मीट किसको कहता है हम दिखा देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे हम बनाए हुए हैं स्पॉइल मीट, यहाँ पे था ना, हाँ ये देखिए स्पॉइल मीट 100 ले लेते हैं, 100 काफ़ी है, एक ही बाइट उसको चाहिए। तो पीटी में मेरा हम देख लेते हैं कौन फास्ट है। मूवमेंट स्पीड 136 नहीं चाहिए इसको, इसका स्पीड अपना दिखा रहे, इसका मूवमेंट स्पीड 153 और मूवमेंट स्पीड इसका बढ़ा देते हैं। ये ले फुल बूम बम, अभी कितना हो गया 163 हो गया। तो डायर वुल्फ का इन्वेंट्री में हम देख लेते हैं कुछ है तो नहीं ना। इसका माथा पे ये है सैडल है, तो अरे तरीका इसके पास सैडल थे भी किया, बाकी यार हम बेकार ले लिए। तो चलिए इसके पास कुछ नहीं है और इसको हम टेलीपोर्ट मारेंगे। तो टेलीपोर्ट मारने से पहले इसको इन्वेंट्री चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास और क्या क्या है, और तो कुछ नहीं है। तो चलिए केव में वहीं पे मिलेगा, तो हंटर केव कहाँ पे है तो आपको तो पता ही होगा, तो चलिए हम वहाँ जाके मिलते हैं थोड़ा देर में। पास आ गए हमको, आपको लोकेशन भी दिखा देते हैं। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे आ जाइएगा और हम यहाँ पे पीटी को हम ऊपर कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, पीटी को ऊपर कर दिए। अब यार ये देखिए डायर वुल्फ भी आ गया यहाँ पे। आपको टेलीपोर्ट नहीं करना आता है, टेंशन नहीं लीजिए। मतलब कि टेलीपोर्ट करना हम अगले मतलब कि कल आ जाएगा वीडियो, शायद मॉर्निंग में कल आ जाए, हाँ कल का कल आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए कल आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर सेफ जगह पर रख देते हैं, तो आप याद करके रखिएगा सेफ जगह पर, क्योंकि रैप्टर सब यहाँ पे घूरते रहता है। इसके इन्वेंट्री में कुछ है, कुछ नहीं है, चलिए कोई ना। तो चलिए इसके माथा पर हम पहना देते हैं ये वाला हेलमेट, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्मर का काम करता है, तो इसका हम थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, वेट बढ़ा देते हैं, मतलब कि हाँ वेट बढ़ा देते हैं। अरे बाद में कर लेना, हिचको ले खा लेना भाई, क्यों सोया नहीं एक रात दिन से। चलिए इसके बाद हम चलते हैं और उसको ये पे कर देते हैं, रुक जाइए एक सेकंड।
यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और नेचुरल कर देते हैं, कोई मारे तो उसको मतलब गंदा बजा सके। और यहाँ से हम अपना ये सब अंदर मतलब कि यहाँ पे रख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, और हेलमेट हम पहन लें, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वो इससे उतर के पहनना होगा लग रहा है। तो चलिए हेलमेट हम पहन लिए, क्योंकि हेलमेट ऐसे भी थोड़ा सा आर्मर लग जाए तो अच्छा बात है। तो बाकी का सब पहन लिए, चलिए हम टॉर्च जलाते हैं, पटाख से चलते हैं अंदर। आपको कैसे डंग बीटल यहाँ पे टेम करना है, तो टैडी सेव करके भी कर सकते हैं। टैडी सेव वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, शायद टैडी सेव वाला वीडियो नहीं आया है तो आप देखिएगा, क्या आ जाएगा उसका टेंशन नहीं लीजिए। इसी तरह करके अपलोड करते रहेंगे। तो इस साइड तो बंद ही है, तो हमको लेफ्ट साइड यहाँ पर मुड़ना है। तो इसके बाद अंदर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ और खाते जाओ, कहाँ खाते जाओ पता नहीं है, कहाँ कहाँ। यहाँ से लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं, राइट भी मुड़ सकते हैं, तो हम राइट ही मुड़ जाते हैं। तो लेफ्ट में जाकर वहीं पर मिलेगा, मतलब आर्टिफैक्ट के पास आप मिलिएगा। ये देखिए यहाँ पे तो डंग बीटल यहाँ पे तो है नहीं, तो डंग बीटल कहाँ पे मिलेगा हमको पता है। तो ये सब क्लियर करना होगा, माता खराब, इसीलिए हम डायरवुल्फ को वो वाला टोपी पहना का है। कितनों मारे घंटा फर्क नहीं पड़े, इसका हेल्थ नहीं जाएगा। ये देखिए कितना लेवल का है। तो इससे हम थोड़ा सा चीटिन भी फार्म कर लेते हैं, क्योंकि स्टेमिना इसका बहुत कम है। हमको कम से कम मतलब कि 150 लेवल का वो टेम करना चाहिए था डायरवुल्फ। करेंगे, केव में से एक भाई ने बोला था कि भाई केव में से करके दिखाओ, तो वो भी नहीं किया है शायद, आई थिंक वो भी नहीं किया है। तो वो बोल रहा था तो हम करेंगे ज़रूर, हाई लेवल का करेंगे। उसके लिए मतलब कि थोड़ा हमको सॉर्ड वुड भी फार्म करना होगा, इम्यून केव चाहिए हमको। तो फटाफट इधर चल, इधर डंग बीटल है, तो डंग बीटल इसी तरह शांत रहता है, उसको टेंशन नहीं रहता है। तो हम ये सब फार्म कर लेते हैं, अंदर के साइड जाते जाना है, जाते जाना है। ये देखिए फुल बुमबाम यहाँ पर भी है, तो हम चलते हैं सीधे अंदर। ये आर्टिफैक्ट नहीं है, ये आर्टिफैक्ट सोचने का मतलब गलती नहीं कीजिएगा, ये डंग बीटल नहीं है, नहीं है एरिनो है। तो हम यहाँ से निकलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस सबसे लड़ के, तो उछल उछल के ही हमको लग रहा है जाना पड़ेगा। आई थिंक वो डंग बीटल है, नहीं वो भी एरिनियो है, आई थिंक इस साइड है। दिखा 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 दिखा, ये भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, सीधे जाते जाना है। वो सबको मारने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सीधे हम अंदर जाते जाते हैं। चलिए हम थोड़ा देर बाद मिलते हैं, क्योंकि हमको डंग बीटल यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हमको वो वाला दूसरा वाला रास्ता पर जाना होगा। तो यहाँ से हमको बाहर निकलना होगा, एक सेकंड रुक जाइए, हमको निकल जाने दीजिए। अबे हट ना यार, देख रहा है कितना मारने के लिए दौड़ रहा है। ये देखिए इस साइड भी डंग बीटल रहता है, तो हम एक बार डंग बीटल हमको मिल जाए ना तो हम आराम से कर सकते हैं, मतलब कि आराम से ये वाला हम कंप्लीट मतलब कर सकते हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए, डंग बीटल यहाँ है, एरिनियो है, ले लीजिए। स्टेमिना गया, अभी सब आएगा तो अलग मारेगा, तो आया तो नहीं, चलिए नहीं तो माता खराब कर देता आके। इस साइड से भी नहीं आया है, सब आई थिंक नीचे गिर गया होगा। तो डंग बीटल इस साइड, यप इस साइड मिलना तो चाहिए, क्योंकि इसी साइड से हम आए, यप यप इसी साइड से आए। तो उस साइड हम जाकर देख लेते हैं, एक सेकंड कहाँ पे देखना है आपको ये भी हम बता देते हैं। ये देखिए हम यहाँ से आए थे ना ऊपर से, तो हम राइट घूम गए थे, आपको लेफ्ट साइड इस बार घूर जाना है, आपको राइट नहीं घूरना है, लेफ्ट साइड घूर जाना है। तो लेफ्ट साइड घूर के इस साइड में देखिएगा, डंग बीटल यही सब में मिलता है, तो डंग बीटल इस साइड में तो है नहीं। तो चलिए हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, मिल जा मिल जा। भाई नहीं, इस साइड नहीं जाना है, इस साइड नहीं जाना है। तो एरिनियो से हमको फाइट करना ही नहीं है, चला यदि ये देखिए उछल उछल कर पार होंगे, लेकिन हम फाइट नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे। तुम कितनों मार लो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम अंदर का साइड जाते हैं, ये डंग बीटल है नहीं, एरिनियो है, ये भी डंग बीटल है नहीं, एरिनियो है। तो यहाँ पे अबे यार ये क्या है, हटना यार, फंसा दिया माथा खराब, हमको लग रहा है क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा देर में क्लियर करके मिलते हैं, बहुत गंदा मारेगा ये देखिए। ये सब तो क्लियर हो गया, बहुत माथा खराब किया, इसको टॉर पर भी चढ़ रहा है बहुत गंदा। तो डंग बीटल इसी साइड मिलेगा जहाँ तक हमको लग रहा है। तो ये एरिनियो का कर रहा है, जल्द नीचे भाग, नीचे भाग, तू भी भाग, चल हमको नहीं लड़ना है अभी, माथा खराब हो गया ऐसे ही, हमको लग रहा है इसको टॉर पर चढ़ेगा बहुत गंदा। तो यार यार इसका पैर क्यों बजा दिया है। तो डंग बीटल, डंग बीटल मिल जा यार, मिल जा, तुम रह लिए आए हैं। इस साइड भी नहीं है डंग बीटल, आई थिंक है वहाँ पे, वहाँ वहाँ पे हम देखे, आई थिंक देखे, रुक जाइए ये सबसे हम फाइट करके हम क्लियर कर लेते हैं पहले। तो वेलकम बैक टू गाइस, यहाँ पे तो क्लियर हो गया है, तो हम इस साइड भी हम जाके क्लियर कर लेते हैं। इस साइड नहीं है डायनो, ये देखिए डंग बीटल कहाँ पे, हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए डंग बीटल यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे आपको टेम कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना,
इसको सूदिंग वाम खिलाना है, ये देखिए ऊपर दिख गया, ये देखिए ये फुल टेम हो गया 82 लेवल का। तो यहाँ पर भी इसको हम स्टॉप कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, और इसको भी हम टेम कर लेते हैं। एक डंग बीटल यहाँ पर भी है, ये देखिए फुल बूम बाम, तो दो दो डंग बीटल मिल गया। तो इसको भी हम खिला दिए, और लीजिए ये भी टेम हो गया डंग बीटल 22 ये है। तो इसको अभी हम यहाँ से उठा के और हम सेफ जगह पर इसको हम छोड़ देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आपको कैसे करना है हम बता देते हैं। एक सेकंड, आपको इस तरह से जाना है, वो देखिए, अबे यार वहाँ पर भी हमको क्लियर करना होगा, माता खराब करेगा, रुक जाइए एक सेकंड, हम क्लियर कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आपको करना क्या है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से आपको चढ़ना कैसे है, ये कॉर्नर पे आइएगा ना, ये देखिए आपको यहाँ पे से ऊपर का साइड जाते जाना है, ये देखिए ऐसा आपको, अबे नहीं उसको मारेगा, रुक जाइए एक सेकंड, उसको हम देख लेते हैं कहाँ है। चलिए इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, कर लिए, और फटाक से इसको मतलब यहीं छोड़ दीजिएगा। इसका इन्वेंट्री में थोड़ा सा स्पॉइल मीट डाल दीजिएगा, स्पॉइल मीट ये देखिए हम थोड़ा सा स्पॉइल मीट डाल दिए, तब तक ये खाता रहेगा, खाएगा नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं है। तो डंग बीटल हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये देखिए डंग बीटल, अब यार इस लाइट कम हो गया, तो चलिए कोई ना, कोई डाइनो है यहाँ पे तो हम इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, आप इसके ऊपर चढ़ के निकल सकते हैं इजीली। तो अबे यार इस फॉलो था ये, तो चलिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं, एक ही लेग जाते हैं यहाँ से हम, निकल जाएगा आई थिंक, हाँ निकल जाएगा, चलिए हम बाहर निकल के हम मिलते हैं। तो आपको अगर रास्ता नहीं पता है तो रुक जाइए एक सेकंड, तब हम इसी में दिखाइए देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वेलकम बैक टू गाइस, ये देखिए हम यहाँ पे लाख इसको रख दिए, और दूसरे को भी लाने हम जा रहे हैं, फटाफट इसी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पैदल जाएंगे तो टाइम मतलब कि वहाँ पे चढ़ने में दिक्कत होगा, तो हम इसी पे जाते हैं वापस। चल फटाक से हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, तो आके टाइम ज़्यादा ना लगे ऐसे भी। और ये देखिए डंग विटल यहाँ पे दोनों है, और मेरा पीटी भी वहाँ पे, ये देखिए स्टॉप करके दिखाता है, चार दिखाता है विसल। तो इसमें से हम फटाक से हम ये खोल लेते हैं, क्या नाम है इसका, हेलमेट, तो हेलमेट और कुछ सामान है इसमें, इस वो हम ले लेते हैं, रुक जाइए हेलमेट खोल लिए, और ये सब तो प्राइम मीट खा ले भाई, क्योंकि प्राइम मीट तो ख़राब ही हो जाएगा और गिर भी जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। तो चलिए हाइड हम ले लेते हैं इसमें से, और ये थोड़ा ले लेते हैं, और एरो हमको कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें कुछ है नहीं ना, तो और इसको यहीं पर रखिएगा ये सबको। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका इन्वेंट्री में कुछ है कि नहीं। खाया है रे साला, कुछ नहीं खाया ये, तुम्हारे इन्वेंट्री में दिखा दे, नहीं है, तो चलिए कोई ना, ये सबको आप यहीं पे रखिएगा, बाहर रखिएगा, रैप्टर उप्टर सब मारने वाला जानवर सब घूरते रहता है। तो हम चलिए इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं पीटी को, और मिलते हैं घर पे जाकर, ठीक है। वेलकम बैक टू गाइस, ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए, और डंग बीटल सब वहीं पे है, तो उसको हम बुला लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये देखिए डंग बीटल यहाँ पे आ गया है, और इसका फर्टिलाइजर कैसे बनाए और इसका बेस कैसे बनाए ताकि ये फर्टिलाइज कर सके, क्योंकि इसके इन्वेंट्री में ये टट्टी डालने से सिर्फ नहीं होता है, और भी कुछ डालना पड़ता है, तो आपको हम दिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, इसका दूसरा दिन वीडियो आ जाएगा। ये वेदर कितना गंदा किया है यार, लग रहा है पानी पड़ने वाला है, छत उत लगा दे क्या। चलिए छोड़िए वो सब, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।